है आपका मेरे चैनल पे। मैं अलीशा कलवार आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सम DIY टिप्स। मेरे घर का एक कॉर्नर है जिसे मैं डेकोरेट करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे वो एरिया बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस प्रोसेस को मैं आपके साथ शेयर करूँ और कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ आइडियाज हैं जो मैं आपको बताऊँ ताकि जब भी आपको ऐसे किसी कॉर्नर को डेकोरेट करना है तो आप भी कर सकते हैं और एक आपको अच्छी आइडिया मिलेगी यहाँ से। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा वॉश बेसिन का वॉल कैसा है अभी और मैं उसका मेकओवर करने वाली हूँ, तो आइए देखते हैं। तो ये है वो वॉल जहाँ पे हर सुबह उठ के हम आते हैं और मैं यहाँ पे ब्रश करती हूँ, तो मुझे ये एरिया बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कुछ ऐसे लगे हुए हैं जिनको आप मैं निकाल नहीं सकती, तो मैं इसके लिए यहाँ पे कुछ करूँगी। यहाँ पर मैं हैंडी DIY और प्लास्टिक यूज़ करूँगी। तो आप लोगों ने देखा कि मेरा ये वॉल जो वॉश बेसिन एरिया के पास का वॉल कैसा है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अगर इनको पेंट करवाती हूँ, तो अभी जैसा माहौल चल रहा है तो आज के दिनों में किसी को भी बुला करके यहाँ पर पेंट कराना आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी सम DIY ट्रिक्स जिसकी हेल्प से आप खुद के घर के किसी भी दीवार को काफ़ी अच्छा लुक दे सकते हैं, एक अच्छी ब्यूटी क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पर। तो इसके लिए मैं एक कार्डबोर्ड शीट लूँगी और उस पर मैं बनाऊँगी मेरे डिज़ाइन जो कि मुझे इस वॉल पर क्रिएट करनी है। तो चलिए बनाते हैं डिज़ाइन। तो आपने देखा कि मैंने ये डिज़ाइन बना लिया है, अब मैं इनको अपने वॉल पे लगा के देखूंगी कि ये कैसा लुक दे रहे हैं। तो लेट्स चेक, आई होप कि मैंने जैसा सोचा है ये बिल्कुल वैसे ही बने। DIY हैंगिंग प्लांटर जिसको मैं वहाँ पे इंस्टॉल, अगेन मेरा एक DIY पॉट है और ये जो है आपको दिवाली के टाइम पे इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, तो ये उस टाइम पे आया हुआ था। उसके बाद ये एज अ वेस्ट था तो मैंने इससे एक अपना प्लांटर पॉट बनाया, तो इसको भी मैं वहाँ पे हैंग करूँगी। तो ये मैंने कुछ प्रिंट्स निकलवा दिए हैं, इनको मैंने गूगल से डाउनलोड कर लिया था और फिर मैंने इनको प्रिंट आउट निकलवा लिया। अभी ये बिल्कुल एक कार्ड के ऊपर प्रिंट किया हुआ है, तो इनकी मैं करूँगी फ्रेमिंग। इनकी फ्रेमिंग करने के लिए मुझे चाहिए, आपके पास घर में कोई भी कार्टन अवेलेबल होगा तो आप उसको कटिंग करके इसके साथ इसकी फ्रेमिंग कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करना है। तो मैं इसकी मार्जिन के लिए मैं 2.5 सेंटीमीटर का इसका मार्जिन ले रही हूँ क्योंकि मैं हर तरफ से ले लूँगी। मेरे पास है लैमिनेट करने के लिए ये शीट जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो मैंने इसको मंगाया था और अब मैं इसको इसके अंदर डालूँगी ताकि ये बिल्कुल ही सेफ हो जाएगा। मेरे पास है ये ब्लैक टेप और इसके साथ मैं इसकी
आउटलाइनिंग्स बनाऊंगी। किसी भी तरीके का आप जब डेकोरेट करते हैं तो वो अधूरी है जब तक वहाँ पे कुछ लाइटिंग नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे अब ऐड कर रही हूँ कुछ लाइट्स, तो इसके बाद देखते हैं कि इसकी ब्यूटी और कितनी निखरती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह से मैं आपके लिए आगे मेकओवर वीडियोस लाते रहूं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।